स्नैपचैट पे कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, इस तरीके से एरर आपको देखने को मिल रहा है। स्नैपचैट वाज अनेबल टू ओपन द कैमरा, यू मे नीड टू रिस्टार्ट द एप्लीकेशन और योर डिवाइस। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, इसी वीडियो में आपका काम हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बट कंडीशन एक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत छोटी सी वीडियो में सारी प्रॉब्लम सोल्व करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको स्नैपचैट से बाहर निकलना है। देन स्नैपचैट से बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी स्नैपचैट ऐप है उस पर एक सेकंड के लिए ऐसे दबाएं और यहाँ पे ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐप इन्फो का आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको करने से आपको कोई भी जो डाटा है लॉस्ट नहीं होगा, ना ही कोई नुकसान होगा, ईजिली आप कर सकते हैं। फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है और इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद परमिशंस पे आना है, सारी परमिशंस यहाँ पे अलाउ करनी है, कुछ भी नॉट अलाउड में नहीं छोड़ना। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा यूजेज, इस पर आएँ और यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा को अनेबल करें और बाकी के जो दो ऑप्शन ऑफ दिख रहे हैं इनको ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे स्टोरेज यूजेज आएगा, यहाँ पे आएँ, क्लियर कैच करें और मैनेज स्पेस को नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपको करना क्या है, जो स्नैपचैट आपकी ऐप है उसको बैकग्राउंड में जो रनिंग करती है ऐसे ऐप्स उनको हटा देना है सबको, ठीक है। नए सिरे से आपको स्नैपचैट को ओपन करना है और देखना है, अगर आपका कैमरा ओपन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैमरा तो इजीली ओपन हो गया है इतना करने के बाद ही। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का अगर नहीं हो रहा है उनको क्या करना है वो आगे देखिए। आपको अपना जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करना है एंड यहाँ पे स्नैपचैट को सर्च कर लेना है प्ले स्टोर में, ठीक है। स्नैपचैट को सर्च करके आपको अपडेट कर देना है अगर अपडेट आ रखा है, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको जो है कुछ सेटिंग्स और करनी है, दो छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं। आपको क्या करना है, आपको जो आपका मोबाइल की मैन सेटिंग्स है उसमें चले जाना है, ठीक है। मैन सेटिंग्स में चले गए, सभी मोबाइल्स में नेटवर्क करके एक ऑप्शन मिलता है, मोबाइल नेटवर्क, इस पर आ जाना है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपके मोबाइल में जितने सिम होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो जिस सिम से आपका नेट यूज हो रहा है उस पर सेलेक्ट करें, क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से सिम को ऑफ करें, डिसेबल करें और वापस में आपको इसे चालू करना है। ये भी बता रहा हूँ कि आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क वीक होने की वजह से, नेटवर्क की जो इंटेंसिटी अगर कमज़ोर है उस वजह से भी कैमरा ओपन नहीं होता। इसलिए जब वापस में मोबाइल चालू, मतलब जो सिम वापस में चालू होगा तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका मोबाइल पकड़ लेगा, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका मोबाइल है रिस्टार्ट करना है, ऐसे रिस्टार्ट करेंगे और इजीली जो आपका स्नैपचैट है उसका कैमरा प्रॉपर पहले से अच्छा वर्क करने लगेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो मेरी जो है अभी स्नैपचैट ओपन नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अपडेट के लगा रखा था, तो देखते हैं चलिए अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए अपडेट हो चुका है और मेरा स्नैपचैट कैमरा भी इजीली ओपन हो गया है।